बयान सामने आया है, निर्भया के चरित्र पर सवाल उठाया है एपी सिंह ने, एपी सिंह पर लोगों का गुस्सा भी फूटा है। एपी सिंह के बयान को लोगों ने बेहद शर्मनाक बताया है। अभी का ताजा पीटीआई दोषियों के वकील एपी सिंह ने बहुत शर्मनाक, बहुत शर्मिंदा करने वाला बयान दिया है। निर्भया के चरित्र पर इन्होंने सवाल उठाए हैं। हालांकि एपी सिंह जिन्होंने पिछले 7.75 साल में जितने भी कानूनी दांव पेच होते हैं सब कुछ इस्तेमाल करके रखे। तिहाड़ जेल के डीजी संदीप गोयल भी तिहाड़ पहुंच गए हैं। अभी का ये भी एक ताजा अपडेट है, निर्भया के दोषियों की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज होने के बाद। इसके अलावा जस्टिस भानुमति ने कहा कि याचिका में हमें कोई आधार नजर नहीं आता। एपी सिंह ने शर्मनाक बयान दिया है, क्या कहा है सुनिए। कई दलील की आप बात करते हैं, मैंने कोर्ट में ये भी कहा कि 8 साल का बच्चा है अक्षय का, औरंगाबाद बिहार से आया हुआ है मिलने के लिए, आप उसे मिलवा दीजिए। आपने देखा दिन में पटियाला हाउस पड़ा रहा, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पड़ा रहा, हमने कि एक बार उसे मिलवाने का दे दिए। उसकी मिलवाने के भी समस्या है, केस के परिजन दिल्ली में थे, ये औरंगाबाद बिहार से आता है, नक्सलाइट रिमोट एरिया से, इतनी दूर जाके देखिए आप, एक बच्चा मिलके क्या कर देता गलत, अपने बाप से मिल लेता, ये इतिहास में रहेगा। लोग चाइल्ड वेलफेयर की बात करते हैं, बाल विकास मंत्रालय को शर्म करनी चाहिए आज, जो बालकों के लिए अरबों रुपए का फंडिंग होती है। और यहाँ बालक की क्या गलती थी, अक्षय को आपने बलात्कारी बना दिया, हत्यारा बना दिया, उस बालक की क्या गलती है कि वो बड़े होकर जब कहेगा और भारत के संविधान की पोथी पढ़ेगा, किताब पढ़ेगा और गढ़ेगा, तब वो क्या कहेगा, इस जेल मैनुअल ने, इस संविधान ने, इस कानून ने, इस मीडिया ने, इस सिस्टम ने मेरे बाप को आखिरी बार मिलने नहीं दिया, मुझसे मिलने नहीं दिया, उसके परिवार से मिलने नहीं दिया, पवन के परिवार से नहीं मिलने दिया। आप फांसी लटकाने जा रहे हैं, कोई ऐसा तो है नहीं, कोई बिल्कुल ऐसा काम हो नहीं सकता, क्यों नहीं, असंभव काम तो है नहीं, मिलाने का काम है। जब वो कल गए तो कोरोना का कह के कह दिया गया कल मिलाएंगे, और उसके बाद ये हाल हो रहा है, वो बराबर फोन कर रहे हैं, जेल के बाहर बैठे हैं उनकी मुलाकात के लिए। एक बच्चा है, बच्चे का क्या रोल है, बच्चे ने क्या गलती की, बच्चे ने उसके घर में पैदा करके गलती की ना, आप उसके लिए ये नहीं कर सकते हैं। और मुझे दुख है, आप ये न्यूज चैनल भी, बड़े बड़े न्यूज चैनल कितने भी चला लें, लेकिन एक बच्चे को अगर न्याय नहीं दिला पाए आपके अंदर आत्मा भी कचोटेगी। पवन की माँ हैंडीकैप है, अरे मिलना चाहती अपने बच्चे, पैदा किया है, 9 महीने पेट में रखा है, एक माँ का दर्द समझो, एक माँ के लिए आप यहाँ लगातार 7.75 साल से नाचते घूम रहे हो, दौड़ते घूम रहे हो, रात दिन लगाते घूम रहे हो, चौकड़ी बनाए घूम रहे हो, एक माँ के लिए, और ये माँ नहीं है क्या। देखिए कानून के भी न जाने कितने आयाम होते हैं, जहां पर एपी सिंह जैसे वकील ये कहते हैं, दुहाई देते हैं, एक मां की दुहाई देते हैं, एक मां की कोख की दुहाई देते हैं, लेकिन एपी सिंह जैसों को शायद याद नहीं होगा कि 7.75 साल पहले इसी तरह से एक मां की कोख किस तरह से सुनी हुई थी। और आशा देवी भी तो मां है ना, और उन्होंने भी तो अपनी बेटी को खोया था। एपी सिंह को शायद इस बात का इल्म भी है, लेकिन हां कानूनी दांवपेच आजमाने में एपी सिंह कहीं से भी पीछे नहीं रहे। लेकिन इन सब के बीच